नमस्कार फ्रेंड्स, मैं परमार पंकज टेक्नोलॉजी टूल्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ZipGrade आंसर शीट में उत्तर देने के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें जानेंगे। ZipGrade आंसर शीट में उत्तर देने के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें। आंसर शीट को मोड़ना नहीं है, एकदम स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त रखना है। प्रश्न के उत्तर में कहीं भी राइट का निशान नहीं करना है। प्रश्न के उत्तर में कहीं भी क्रॉस का निशान भी नहीं करना है। सर्कल को अधूरा डार्क न करके पूरा डार्क करना है। सर्कल के बाहर डार्क न हो जाए इस बात का ध्यान रखना है। पूरा सर्कल डार्क हो जाए उस प्रकार ब्लू या ब्लैक बॉल पेन की मदद से उत्तर देने हैं। बॉल पेन पर ज़्यादा वजन न देकर हल्के हाथों से सर्कल डार्क करने चाहिए ताकि आंसर शीट टूटे नहीं। उत्तर देने के लिए इंक पेन का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें स्याही फैल जाने की वजह से स्कैनिंग में समस्या आ सकती है। प्रश्न का उत्तर अगर एक ही है तो एक सही सर्कल को ही डार्क करना है। एक से ज़्यादा सर्कल डार्क करने पर जवाब गलत हो जाएगा। आंसर शीट में कहीं पर भी ज़रूरत के बगैर का कोई भी लेखन, लाइंस या निशान नहीं करना है। आंसर शीट में प्रश्न क्रम के लिए दिए गए अंक छोर के ब्लैक चौकोर यानी कि स्क्वायर, अन्य एक निशानी तथा बीच के ब्लैक चौकोर के पास कोई भी लेखन, लाइंस या निशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आंसर शीट का स्कैनिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर चार ऑप्शंस ही रखे गए हैं तो कहीं पर भी पांचवा ऑप्शन ई का सर्कल डार्क नहीं करना है। जहां भी नाम, तारीख और अन्य वस्तुएं लिखने की ज़रूरत हो वहां वे सब उनके बॉक्स में बिल्कुल बीच में आए ऐसे लिखना है। बॉक्स की किनारी या छोर पर लेखन ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना है। ZipGrade आईडी के लिए सर्कल डार्क करते समय सही अंकों के सर्कल ही डार्क हो इस बात का ध्यान रखना है। ए, बी, सी, डी जैसी अलग अलग की के अनुसार एक ही प्रश्न पत्र का प्रश्न क्रम बदल के मूल्यांकन करना है तो सही की का सर्कल डार्क करने पर ही सही मूल्यांकन हो पाएगा, नहीं तो गलत मूल्यांकन होगा। उत्तर देने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है लेकिन स्कैनिंग में दिक्कत हो सकती है और कई बार गलत मार्किंग भी हो सकता है। इसका उपाय यह है कि अगर आप पेंसिल का उपयोग करवाना ही चाहते हैं तो आंसर शीट का स्कैनिंग करने से पहले सेटिंग्स में जाकर ब्राइट लाइट डिटेक्टर का ऑप्शन बंद कर देना है ताकि अच्छी तरह से स्कैनिंग हो पाए। सबसे अच्छा तो यह है कि उत्तर देने के लिए पेंसिल का उपयोग न करके बॉलपेन का ही उपयोग किया जाए। ZipGrade आंसर शीट में उत्तर देने के लिए आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आंसर शीट को स्कैनिंग करने में और इस प्रकार मूल्यांकन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अन्य लोगों से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इस चैनल पर फ्यूचर में अपने काम का कुछ मिल सकता है तो आप यहाँ के रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले बेल पर क्लिक करने से मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे।